ओंकार, फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि प्रार्थना शुरू। इनहेल, चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान तोष्मी पतंजलिं प्राञ्जलिरान तोष्मी। दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार। अपने इष्ट देव को महर्षि पतंजलि का ध्यान करते हुए उनको नमन करें और उनका धन्यवाद करके लव योर पाम्स एंड कवर योर आईज। और से तीन बार आंखों को अंदर ही अंदर खोलें और बंद करें। पूरे फेस पे उस ऊष्मा का संचार कराएं। मैं आज की योग कक्षा के लिए तन से एवं मन से तैयार हूं, ऐसा अपने आप से मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है? जी सर। योग दर्शन की सूत्र चैंटिंग में हमने समाधि पाद एवं साधन पाद का चैंटिंग का अभ्यास अच्छी तरह कर लिया था। आज हम विभूतिपाद जो कि थर्ड चैप्टर है उसकी चैंटिंग का अभ्यास करेंगे। हमने पिछली चैप्टर में देखा था कि अष्टांग योग के तीन अंग, पांच अंग यम से लेकर के प्रत्याहार तक साधन पाद में कवर अप हो गए और बाकी के जो शेष तीन अंग धारणा ध्यान और समाधि विभूति पाद में स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला सूत्र धारणा का है, फिर दूसरा ध्यान का तथा तीसरा समाधि का। तो आप लोग सुनिए। अथ विभूति पाद देश बंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्र निर्भाषम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः तदेवार्थमात्र निर्भाषम्
शून्यमिव समाधिः तदेवार्थ मात्र निर्भाषम् स्वरूप शून्यमिव समाधिः। तो त्रयमेकत्र संयमः, मिला के बोलेंगे तो त्रयमेकत्र संयमः, अगर तोड़ के बोलेंगे तो त्रयम् एकत्र संयमः, त्रयम् एकत्र संयमः। फोर्थ नंबर का चल रहा है, ध्यान से सुनिए। त्रयम् एकत्र संयमः, तज्जया प्रज्ञालोकः, तज्जया प्रज्ञालोकः, तज्जयात् प्रज्ञालोकः। तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य भूमिषु विनियोगः। 7. त्रयम् अन्तरङ्गम् पूर्वेभ्यः, त्रयम् अन्तरङ्गम् पूर्वेभ्यः, त्रयम् अन्तरङ्गम् पूर्वेभ्यः। 8th नंबर का, तदपि बहिरङ्गम् निर्वेजस्य, तदपि बहिरङ्गम् निर्वेजस्य, तदपि बहिरङ्गम् निर्वेजस्य। 9th, व्युत्थान निरोध संस्कार योर विव भव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिव प्रादुर्भावौ, या संस्कारयो अविभव अविभव प्रादुर्भावौ सर निरोध चित्तान्वयो निरोध परिणामः। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, वैसे बताया जाएगा पीपीटी लास्ट चेंज में नहीं क्या हुई, है। अच्छा, अभी वही पुरानी चल रही है। हो गई है सर, हो गई है, हो गई है सर, चेंज हो गई, हो महोदय गई। आप, हाँ आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, ठीक है? जिसको नहीं हुई है वो नेटवर्क देख लें आप अपना। सर आज चैंटिंग चलेगी सिर्फ, हाँ जी, आज चैंटिंग चलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि व्याख्या से पहले हम लोग चैंटिंग कवर अप कर लें, ठीक है? कोई दिक्कत नो नहीं सर, सर, बस पूछ रहा चैंटिंग ही था। ठीक है। हाँ, चैंटिंग करेंगे आज, मैं करूंगा, तुमसे भी करवाऊंगा, ठीक है? तो ये 9th, 9वें नंबर का दोबारा सुनिए। तो व्युत्थान निरोध संस्कार यो अभिभव अभिभव प्रादुर्भावौ प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। 10. तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। 11. सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामः।
सर्वार्थ एकाग्रता, सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयोः चित्तस्य समाधिपरिणामः। बारहवें नंबर का सुनिए। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः। 13 एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूत इंद्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याताः। 14 शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। शांत उदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। 15 क्रमान्यत्वं परिमा परिणामान्यत्वे हेतुः। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। 16 परिणामत्रय संयमादितीतानागतज्ञानम्। परिणामत्रय संयमात् अतीतानागत अतीत अनागतज्ञानम्। परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागतज्ञानम्। परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागतज्ञानम्। 17 नंबर का सुनिए। शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतरौ ध्यासात्। शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतरा ध्यासात् शंकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम्। शब्द अर्थ प्रत्यय शब्द अर्थ प्रत्ययानामि तरेतराध्यासात् शंकरस्तत्प्रविभाग संयमात्
सर्वभूतरुतज्ञानम्। 18 नंबर का श्लोक है, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम्। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम्। 19 प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्। प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्। प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्। 20 नंबर का देखिए, न च तत्सालम्बनम् तस्याविषयीभूतत्वात्। न च तत्सालम्बनम् तस्याविषयीभूतत्वात्। न च तत्सालम्बनम् तस्याविषयीभूतत्वात्। तो ये 20 सूत्र अभी हमने कवर अप किए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इन 20 सूत्रों में कोई दिक्कत समस्या लग रही हो ये या ये लगे आपको कि अभी ये वाले सूत्र दोबारा पुनः चयनित होने चाहिए कौन कौन से क्रम वाले, तो आप एक एक करके बताइए, दोबारा चयन करते हैं फिर मैं आपसे चेंटिंग करवाता हूँ, ठीक है? सभी को क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है? सर स्लाइड आगे करिए, सात से आगे। अच्छा, सात से आगे, ये देखिए सर, ये 9 नंबर। 9 नंबर का सुनिए, व्युत्थान व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव विभव प्रादुर प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कारयोर विभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। क्लियर है मनोज जी? जी सर। और कोई इनमें से कोई और आगे या किसी और? 15 नंबर का सर, 15 नंबर का और बता दीजिए। 15 नंबर का सुनिए, क्रमा क्रमान्यत्वम् 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 परिणामान्यत्वे परिणामान्यत्वे हेतुः। क्रमान्यत्वम् परिणामान्यत्वे हेतुः। क्लियर है? यस सर। किसी की कोई और समस्या इन 20 सूत्रों को लेकर के लग रहा हो आपको कि ये वाला हमें समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप पुनः चर्चा कर लीजिए एक बार, एक एक करके और बताइए कौन सा रिवाइज करना है। सर 17। मनोज जी आप माइक ऑफ करिए अपना। मनोज सर मेरा तो ऑफ ही है, मुझे वहां दिखा रहा है ऑन, इसलिए आपकी आवाज भी आई है। 17 नंबर का सुनिए, शब्द अर्थ प्रत्ययानामि
शब्द अर्थ प्रत्यया नामितरे मितरे, शब्द अर्थ प्रत्यया नामितरे तरा मितरे तराध्यासात्, शब्द अर्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्, शंकरस शंकरस तत् प्रवि भाग संयमात्, तत्प्र विभाग संयमात् सर्व भूतरुत ज्ञानम्, शब्द अर्थ प्रत्ययानामि तरेतराध्यासात् शंकरस्तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम्। क्लियर है? ओके सर। हाँ, एक बार आप बोल के बताइए इसे। शब्द अर्थ प्रत्ययाना मितरेतराध्यासात् शंकरस्त त्यप्रत्यय विभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम्। तो यहाँ पे संकरस्तत् तत् प्रविभाग प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम्। चलो, अच्छा है प्यार। और कोई किसी की समस्या इनको लेकर के? सर 21 वैसे अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, हमने 20 तक ही पढ़े हैं, पर लेकिन ओके अभी 20 तक के एक से 20 तक में कोई समस्या हो तो वो चर्चा करिए। सर 1-8 पढ़ाइए एक बार। कौन सा? 1-8 1-8 मैं लेट से ज्वाइन हुई, सॉरी सर। अच्छा, दोबारा सुनिए। देश बंधश्चित्तस्य धारणा, देश बंधश्चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम्, तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम्। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः, तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः। त्रयमेकत्र संयमः, त्रयमेकत्र संयमः। तोड़ के बोलें तो इससे बोलेंगे त्रयम् एकत्र संयमः, त्रयम् एकत्र संयमः। फिफ्थ नंबर का तज्जयात् प्रज्ञालोकः, तज्जयात् प्रज्ञालोकः। सिक्स्थ तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य भूमिषु विनियोगः। सेवन त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः, त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः। एट तदपि बहिरङ्गं निर्वीजस्य, तदपि बहिरङ्गं
निर्वीजश्य, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। किसी और की कोई समस्या इन 20 सूत्रों को लेकर के चैंटिंग में? कोई तकलीफ लगे आपको कि इस सूत्र को मैं, मुझे तकलीफ होगी तो आप सूत्र नंबर बताइए और दोबारा सुनिए और आपको भी सुनाना है, ठीक है? सबको मतलब तैयार है मुझे लगता है। हाँ पुष्पा मुर्गाड मैम, कुछ बोलना है? चलिए तो आप सुनाइए अब। जी पुष्पा मैम, कुछ बोलना है आपको? आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए यदि कुछ कहना नहीं है तो। और अभी आइए अल्फाबेट आयानगर, अयंगर, अल्फाबेट अयंगर कौन है? और जो भी हैं आप यहाँ पे, यहाँ से 9th नंबर का सूत्र चैंट करके बताइए। अल्फाबेट अयंगर, माइक ऑन करिए, तुरंत माइक ऑन किया करो जिससे बोला जाए। नहीं आ रहा तो बोलो मुझे नहीं आ रहा, दोबारा रिवाइज करा दीजिए, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, आप माइक ही नहीं खोले। अर्चना कुमारी, यस सर, आप ये 9वें नंबर का सूत्र चेंज करिए। सर ये ब्यूथा वाला? हाँ 9वें नंबर का, 9th नंबर। सर मैं अभी यही पढ़ रही थी तो प्रोनाउंसिएशन में मुझे गड़बड़ लग रही है, मैं तो यही पढ़ रही थी मैं भी। देखो आपको अभी इतना पढ़ के सुनाया गया था ना, और ये भी बार हाँ, बार सर सर मैंने कि... सर मैंने सुना था, मैंने इसलिए रिपीट भी किया था, मैं सभी को रिपीट कर रही थी तो मैं वही देख रही थी कि ना मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़े वीकनेस आ रहे हैं इस वाले में। कौन से वाले में? 9वें में ना, 9वें नंबर के में आपको सर, मैं सर 9वें में और 11वें में। चलो आप सुनो 9वां और 11वां, फिर आपको सुनाना है, ठीक है? ठीक है अच्छा, आप पहले सुनो। देखिए 9वें नंबर का, व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः व्युत्थान निरोध संस्कारयोर विभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। क्लियर है 9वें नंबर का? यस सर। हाँ अभी सुनाइए आप अर्चना। यस सर, व्युत्थान निरोध संस्कार योरह विभव प्रादुर्भाव निरोध निरोध क्षण चित्तान वयो निरोध परिणाम। आ रहा है लेकिन और थोड़ा सा अभ्यास करोगे ना, बिल्कुल स्मूथली आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अभी 11वें नंबर का सुनियो, सर्वार्थ सर्वार्थ एकाग्रतयोः, सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयो दयौ चित्तस्य क्षमाधिपरिणामः। सर्वार्थ एकाग्रतयोः
क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामः। अभी हो गया क्लियर? यस हाँ तो सुना दीजिए इसको भी एक बार। सर। जी सर। सर्वार्थ ते का ग्रत्य हो क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामः। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे जी ही सर। पढ़ना है। चलिए, किसी की और की समस्या 1 से 20 तक। हाँ जी, तो साहब जी। सर मेरा नोवा सूत्र बोलने का बहुत मन कर रहा है, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, तो आप मेरे को हेल्प कर। बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे खुली छूट है, क्योंकि यहाँ अपने सही प्रोनाउंसिएशन होना आपका बहुत जरूरी है। बोलिए 9वें नंबर का। जी सर। वित्थ्यान निरोध संस्कार योर विभव परुधो भावो निरोध क्षण चित्तान्यो निरोध परिणामः। महोदय यहाँ पे, हाँ एक बार और बोलिए इसे, सर कहाँ से सर? शुरू से? पूरा बोलो। जी सर। वित्थ्यान निरोध संस्कार योर विभव, सर यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये भी क्या बोलेंगे सर? विभव हाँ, विभव विभव। विभव जी सर, विभव प्रदुभावो निरोध क्षण चित्तान्यो चित्तान्वयो निरोध परिणामः। पकड़ ली सर मैंने। हाँ, प्रादुर्भावो ने, प्रादुर्भावो व्युत्थान नहीं है, व्युत्थान। ध्यान बोलेंगे तो यह आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? व्युत्थान व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो। चित्तन्वयो नहीं, न चित्तान्वयो, चित्तान्वयो निरोध परिणामः। ठीक है तो सर साजी। सर मुझे एक बार फिर यहाँ से बता देंगे जहाँ पे ये लिखा है ना, दुरुभावो? प्रादुर्भाव, सर इसका प्रनंस मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रा प्रा दुर दुर भावो, प्रादुर्भावो। भावो प्रादुर्भावो। हाँ बिल्कुल जी सर, ठीक है। मजा आ गया सर, थैंक यू सर। प्रादुर्भाव धन्यवाद। किसी को और को कोई तकलीफ नहीं तो अभी बबीता शर्मा, 13वें नंबर का सूत्र चैंट करिए। बबीता हाँ शर्मा। जी सर। ओम सभी को, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, बोलिए 13वें नंबर का। अरे बस स्क्रीन पर ज्वाइन करेंगे। हाँ हो तो रही है, देखिए आप सामने। सर मेरे पास स्क्रीन पर ज्वाइन नहीं है। आप ना मेरे मेरी आईडी से जो प्रेजेंटिंग जिसमें शो हो रहा है ना, उस पे पिन कर लीजिए, तब दिखेगी आपको। ठीक है, तब तक दिव्या भारती, दिव्या भारती आइए और 11वें नंबर का सूत्र चैंट करिए मैडम। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी को अभ्यास को बना के रखना है, ठीक है? और भी सारे चैंट करने हैं अच्छे से, उन्हें प्रैक्टिस करनी है बाद में। बबीता जी, स्क्रीन दिखने लग गई आपको? हाँ, हाँ जी सर, अभी आई है। तो 11वें नंबर का चैंट करिए आप। हाँ सॉरी, जी 11वें नंबर का नहीं, आप 13 नंबर का, 13वें नंबर का चैंट करिए। जी सर। एतेन भूत इंद्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता। बहुत अच्छे, ऐसे ही अभ्यास करना है।
14 नंबर का सूत्र चयन करने आ रहे हैं हमारे सामने देव शर्मा जी। जी प्रणाम सर, कौन सा नंबर का गुरु जी? 14 14 14 जी। शांतो देताभ्य उपदे शांत उदित व्यप शांत उदित व्यपदेश धर्म अनुपाति धर्मी। एक बार और पढ़ रहा हूँ गुरु जी। शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। ऐसे बोला करो देव सर, दूसरी बार में बोला ना इस तरीके से। जी गुरु जी। अभी 70 नंबर के सूत्र को चैंट करने आ रहे हैं एकता गुप्ता। एकता गुप्ता मैडम आप 17 नंबर के सूत्र को चैंट करिए। शब्दार्थ प्रत्यय बोलिए बोलिए। शब्द अर्थ कोशिश करिए बोलिए। शब्द अर्थ प्रत्यय सर नहीं आ रहा। अभी इतने देर से जब से आपसे बोला जा रहा था कि आप दोबारा कोई सा चैंट करवाना हो तो बता दीजिए, उस समय आप नहीं बता रहे थे हैं? अब सुनिए, फिर सुन करके फिर बताना। शब्द अर्थ प्रत्यय शब्द अर्थ प्रत्यय नामि नामि तरे नामि तरे तरा नामि तरे तरा ध्यासात शंकरस शंकरस तत् प्रवि प्रवि भाग संयमात सर्वभूत रुतक ज्ञानम। शब्द अर्थ प्रत्यया नामितरे तरा ध्यासात शंकरस्तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुतक ज्ञानम। क्लियर है एकता जी? जी सर, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ करिए, कोशिश करो। शब्द अर्थ प्रत्यय नामित रेतार्थ ध्यात सात संस्कार संस्कार सत्त प्रविभाग संयम मात सर्व भूत रूत ज्ञानम। ये सब सूत्र जितने आज पढ़ाए गए हैं आप एक हर सूत्र को 10-10 बार बाद में प्रैक्टिस करना, ठीक है? जरूर चैंट करना। अभी 17 नंबर का सूत्र चैंट करेंगे। लक्ष्मी बोरा मैम 17 नंबर का सूत्र चेंज करिए। लक्ष्मी मैम जी सर करती हूँ। लक्ष्मी मैम करिए। 17 ना सर? हाँ करो, आप भी करो। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात
संस्कारस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रूत ज्ञानम्। अच्छा बोला पूनम मैडम, लेकिन ना यहाँ संस्कार नहीं है, यहाँ संकर है। संकर संकर ऐसे बोलना है, संस्कार नहीं बोलना, ठीक है? हाँ सर, मैंने संस्कार बोला। 16 नंबर का सूत्र अभी चैंट कर लेंगे। माधवी कुलकर्णी 16 नंबर। जी जी सर। हरिओम। हाँ हरिओम। परिणाम त्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम्। परिणाम त्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम्। ठीक है। हाय शहीद। हाँ जी माधवी जी, धन्यवाद सर। राजदीप पाल 16वें नंबर का, ये 15 नंबर का सूत्र चेंज करिए राजदीप जी। यस सर। क्रम अन्वत्तं परिणाम अन्वत्ते हेतुः। एक बार और। क्रम अन्वत्तं परिणाम अन्वत्ते हेतुः। देखिए ऐसे बोलिए एक बार, आप सुनिए पहले। क्रमान्यत् नियत्वम् नियत्वम् क्रमान्यत्वम् परिणामान्यत्वे परिणामान्यत्वे हेतुः। क्रमान्यत्वम् परिणामान्यत्वे हेतुः। अब बोलना एक बार। क्रमान्यत्तं परिणामनत्ते हेतुः। परिणामान्यत्वे परिणामनत्ते हेतुः। आपके ठीक है राजदीप। अभ्यास करना लेकिन इसका है, अभ्यास की आवश्यकता है। 20 नंबर का सूत्र अभी नीतिका जी, 20 नंबर का सूत्र चैंट करिए नीतिका। 20 नच तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। बहुत बढ़िया। अच्छा अभ्यास। सलाका गर्ग जी 13वें नंबर का सूत्र, वो सॉरी 3rd नंबर का, तीसरे का। सलाका गर्ग। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। ठीक। 7वें नंबर का सूत्र चैंट करेंगे स्मिता वर्कुल। इसमें था बिल्कुल जी 7वें नंबर का सूत्र। इसमें था जी 7वें नंबर का सूत्र। हाँ हाँ। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। अच्छा चौदहवें नंबर का सूत्र सोनाली खैरनर। सोनाली खैरनर जी 14। शांतो दित्ता सर आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ। शांतो दित्ता व्यपदेशे व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। ठीक है ऐसे बोलते। पवन विद्यार्थी जी आप जी गुरु जी
ग्यारहवें नंबर का सूत्र चेंज करिए पवन जी। जी गुरु जी। सर्वार्थ थते एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। यहाँ पे दिक्कत आ रही थी ना, कैसे बोलेंगे? सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। ठीक है जी। आठवें नंबर का सूत्र के लिए हमारे साथ में आने वाले हैं सुबोध यादव। आठवें नंबर का सूत्र दिस वन। सुबोध यादव मैडम हेलो। सूफिया परवीन मैम। सूफिया मैडम जी सर। हाँ जी। ये बारहवें नंबर का सूत्र चेंज करिए सूफिया जी। जी। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। बहुत अच्छे, ऐसे ही अभ्यास बना के रखना है। सोलहवें नंबर का सूत्र चयन करने आएंगे अभी विकास राणा जी। सोलहवें नंबर का सूत्र चयन करिए विकास राणा। 16 दिस वन। परिणाम तरियम संयमः दितः तानः आज्ञानम्। देखिए महोदय, आप सुनिए एक बार। परिणाम त्रय संयमात् तीता, यत् परिणाम त्रय संयमात् अतीतानागत, या फिर बोले तोड़ के अतीत अनागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। एक बार और बोलिए सर। ये कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? ये परिणाम से आगे जो है सर। हाँ, परिणाम के बाद है ना, परिणाम फिर है त्रय, परिणाम त्रय फिर संयम। आप संयमात बोलिए इसे, ठीक है? संयमात फिर बोलिए अतीता या अतीत, फिर बोलिए अनागत, अतीत अनागत। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। बोलिए। परिणाम तरिय संयमः अदितः। देखिए अतीत पता है कैसे बोलते हैं? अतीत बोलते हैं पास्ट को, और अनागत बोलते हैं जो अभी आया नहीं है, फ्यूचर को। तो अतीत और अनागत दो शब्द हैं यहाँ पे, वो दो शब्द बोल देने, पहले अतीत बोलना है फिर अनागत बोलना है, लास्ट में एक शब्द और बचता है ज्ञानम, ज्ञानम बोल देना है। तो कैसे बोलेंगे? परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। बोलिए एक बार। परिणाम त्रय
मैडम चेंज हो गई, राणा जी हट गए हैं। विजयलक्ष्मी मैम आपको बोलना है, आप बोलिए। अभी राणा जी का क्लियर नहीं हो पाया ये। राणा जी क्लियर है आपको ये विकास जी? नहीं सर, नहीं सर क्लियर नहीं है। बोलो आप, बोलो एक बार और बोलो। विकास जी बोलो। हाँ जी, परिणाम तरिय संयम अदितः ज्ञानम। परिणाम त्रय, परिणाम त्रय, परिणाम। मैं तोड़ के बताता हूँ इसे, थोड़ा समझिए। अभी लिख लीजिए आप वर्ड्स को तोड़ के थोड़ा सा, है आप पेन रखिए अपने पास और इसे तोड़ के लिखिए। सबसे पहले देखिए आपको कितना लिखना है, यहाँ तक परिणाम तक लिखना है, परिणाम। बस ये एक शब्द लिखिए, फिर गैप देखे लिखिए त्रय, त्रय लिख लीजिए, फिर लिखिए संयमात। ये पूरा द न लिख के क्या लिखिए, त, त ऐसा वाला ता, जैसे यहाँ ध्यासात पे पीछे वाला ता है ना, ऐसे लिख दीजिए। तो संयमात, और फिर इसमें जो अ छिपा हुआ है उसे लिखिए अतीत, यहाँ तक। फिर इसमें त में जो आ है इसको इधर लेते हुए लिखिए अनागत, ठीक है। और फिर लास्ट में ये जो है ज्ञानम, ये इतने वर्ड्स में तोड़ दीजिए इस सूत्र को पूरे को। एक साथ लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो आपको दिक्कत हो रही है, इसे तोड़ के बोलना है फिर आपको, ठीक है जी सर। सर ये आपने सर संयमात को एक बार फिर वर्णन करेंगे, जैसे ना इसे जैसे संधि होगी ना संयमात, जैसे ध्यासात है ना यहाँ पे ध्यासात, तो संयमात हो जाएगी, ये द का आधा त हो जाएगा और इसमें जो अ बचेगा वो इधर आ जाएगा, अतीत हो जाएगा उसका, अतीत सर, फिर अनागत ज्ञानम। सर बोलू? हाँ जी। परिणाम तरिय संयमात अतीत अनागता ज्ञानम। वेरी गुड, ऐसे ऐसे तोड़ लिया करो वर्ड्स को और समझा करो कहां से, मैं कहां से तोड़ के बोल रहा हूँ, मिला के बोलना है तो कैसे बोलना है, कोशिश किया करो उसी तरीके से बोलने की, नहीं तो अशुद्ध बोलोगे तो कोई भी कहेगा आपको कि आप एक मास्टर के और रिसर्च स्कॉलर होगे किसी दिन, तो गलत पढ़ोगे तो कोई भी ठीक नहीं। जी सर अब ठीक है गुरु जी, धन्यवाद सर। हाँ जी गुरु जी, ये थोड़ा सा एक शब्द में उच्चारण में दिक्कत हो रहा था उस समय, तो अभी प्रयास किया, एक बार बोलूं। कौन से वाले में? 11 नंबर में स्टार्टिंग में थोड़ा हमें उच्चारण में दिक्कत आ रहा था, तो एक बार बोल कर देखूं। देख लो 11वें नंबर का। सर सर्वा सर्वार थत एकाग्रतयोः क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामः। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आप अभी सर्वार्थ एकाग्र तयोः ऐसे बोलो, नहीं तो मिला के बोलना है तो कैसे बोलेंगे, सर्वार्थ तय तैकाग्र तयोः, सर्वार्थ तैकाग्र तयोः, वैसे आप एकाग्र तयोः बोलो, सर्वार्थ एकाग्रतयोः सर्वार्थ जी, सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामः। वेरी गुड, ऐसे बोलना ठीक है। हाँ एक अगले वाले सूत्र पे विजय लक्ष्मी नाथ मैडम को और दिक्कत हो रही थी, सूत्र नंबर है विजय लक्ष्मीनाथ, ये वाला परिणाम ताप परिणाम त्रय संयमात वाले में हो रही थी ना आपको, 16 नंबर पे है, इस पे 16 नंबर पे। हाँ यस, परिणाम त्रय संयम
असीमात अतीता अनागत ज्ञानम परिणाम असीमात अतीता अनागत ज्ञानम। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। सभी को कोई दिक्कत इनमें, 20 सूत्रों में? आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कम से कम 10-10 times एक एक सूत्र को रिवाइज करना है, मिला के बोला और फिर वर्ड्स को तोड़ करके बोलना है, तो आपको शुद्ध बोलना आ जाएगा और याद भी करने हैं, याद भी होने लग जाएगा, ठीक है। चलिए बने रहिए इसी कक्षा में, हमारे साथ हैं कौशल सर और गगनेश्वर, ताकि आप लोगों की कक्षा है, आप लोग बने रहिए। सभी के लिए शुभरात्रि, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। दो मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर शुरू करते हैं।